वेल तो हमारा ग्राफिक्स कार्ड बाहर आ चुका है पेजी से और चलो इसको हम डीअसेंबल करते हैं। बेसिकली हम डीप क्लीन करने वाले हैं 1660 Ti को, जो कि पोर्टेबल वर्जन है, ज़ोटेक की तरफ जाता है और थोड़ा पोर्टेबल वर्जन है इसलिए छोटा दिखता है। तो बोल्ट्स खोल लेते हैं हम इसके ऊपर वाले फटाफट से। और इस ग्राफिक्स कार्ड के बैक साइड में कोई भी प्लेट नहीं आती है, प्रोटेक्टिव प्लेट, तो कोई नहीं, हमने बोल्ट्स तो खोल ही दिए। अब आता है मेन पार्ट। बोल्ट्स खोलने के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कहीं कुछ टूट ना जाए, इसलिए इसको आराम से आपको खींचना पड़ेगा। दो प्लेट्स और इसके हीट सिंक को आपको चारों तरफ से खींचो थोड़ा थोड़ा और ये कुछ इस टाइप से खुल जाएगा। बिकॉज ये चिपका रहता है, इसके थर्मल पैड्स जो है ना वो चिपके रहते हैं, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर तो इस दौरान हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये थर्मल पैड्स जो है ना ब्लू कलर के, ये ख़राब ना हो, फटे ना, नहीं तो दूसरे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ओरिजिनल तो भाई ओरिजिनल ही होते हैं, तो इसलिए मेरे केस में ये बिल्कुल भी नहीं फटे और सही है। तो देख सकते हो कुछ गंदा है काफ़ी ग्राफिक्स कार्ड हमारा, धूल बहुत है, भरी पड़ी है धूल इसके अंदर। इसको क्लीन करेंगे सबसे पहले तो ये फ़ैन वाले हैं ना, इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ पर एक पिन लगी हुई है फ़ैन की। सबसे पहले तो हम हीट सिंक को क्लीन करेंगे, ये हमारा हीट सिंक और फ़ैन को क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसको भी हम खोल देते हैं, काम करते हैं फटाफट से, खोल देते हैं हम इसको भी। इसके साइड में चार बोल्ट्स दिए रहते हैं जो कि आपको खोल देने हैं, और इसके बाद जो है इसका फ़ैन एंड हीट सिंक अलग हो जाएगा, कुछ इस टाइप से इसका फ़ैन और हीट सिंक अलग हो जाएगा। और धूल देख रहे हो कितनी है, तो फ़ैन को क्लीन करेंगे सबसे पहले। फ़ैन को क्लीन करना आपको बहुत ईजी रहेगा, एक पेंट ब्रश लो और चाहे तो मतलब साफ़ कर दो, धोना नहीं है इसको, धो दो कहीं लग जाएंगे पंखे घूमेंगे नहीं, फिर इसको साफ़ कर लो, इसकी धूल उड़ा दो बिल्कुल ही। और इसका हीट सिंक, इसमें भी काफ़ी धूल देखने को मिलेगी आपको, और इसको तो क्लीन करना ही है क्योंकि ये जो है सारी हीट को डिसअपीएट करता है, और इस पर धूल आ जाएगी तो हीट डिसअपीएशन में काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत आने वाली है, तो सारी धूल हटा देंगे हम। और ये है PCB जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा आपको डेलिकेट, बहुत ही आराम से, सॉफ्ट ब्रश हो आपका उससे क्लीन करना है, अदरवाइज कुछ टूटा तो आपकी भी टूट सकती है। और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ करने वाले हैं हम इसके थर्मल पेस्ट को रिमूव करने के लिए 99%। काफ़ी लोग और कुछ भी यूज़ करते हैं लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप यूज़ करो वो चीज़ें, उससे आपकी कुछ भी डैमेज हो सकती है। तो इस टाइप से आपको दोनों हीट सिंक और हमारी चिप है जो, उसको भी क्लीन कर लेंगे हम इस छोटे ब्रश के ज़रिए। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान से करना है, हल्के हाथों से, बिकॉज इसके चारों तरफ जो है चिप के SMD कंपोनेंट्स लगे हैं, जो कि टूटे तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। तो क्लीन होने के बाद आपको इस टाइप से दिखाई देगी ये चिप। और हम यूज़ कर रहे हैं आर्कटिक की तरफ से आने वाला उनका MX4 थर्मल पेस्ट, जिसका कि कंडक्टिविटी है लगभग 8 वाट, और मास्टर जेल कूलर मास्टर की तरफ से आता है। ये भी मैंने यूज़ करा था, ये वाला थोड़ा सस्ता आता आर्कटिक से, और ये बिल्कुल ही सस्ता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप आर्कटिक वाले पे जाओ, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है और वो थोड़ा हाई एंड थर्मल पेस्ट है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों बोट्स से। तो हम यूज़ कर रहे हैं आर्कटिक। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम खोल लेंगे इसको, कुछ इस टाइप से आपको लगा देना अपने ग्राफिक्स कार्ड की चिप पर, और स्प्रेड भी करना आपको एक इसके साथ एक चमचाता प्लास्टिक का जो कि यूज़ करोगे आप, इस टाइप से इसको फैला दो, चारों तरफ फैला दो चिप के ऊपर, और कहीं मत ले जाना, इस टाइप से हो जाएगा ना, फिर आपको जो है अपना ग्राफिक्स कार्ड बंद कर देना है। बंद कर दो इस टाइप से और बोल्ट्स फोल्ड लगा दो और तैयार हो जाओ, PC में लगा दो। तो ये जो ग्राफ आप देखोगे ना आर्कटिक M4, उसमें ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो टेम्परेचर जो है काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपके PC में कितने फ़ैन है, कितनी अच्छी कूलिंग हो रही है, और क्या आपके रूम में AC है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो है ना आर्कटिक वाला अच्छा परफॉर्म करता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो, आर्कटिक वाला ओवरऑल अच्छा है, उसको बाय करो। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। वेल तो इस वीडियो में इतने ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं और नई वीडियो में।